फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग। तो ये हमारा पैकिंग हो गया है फिर से और हम जा रहे हैं नीव करौली बाबा, जो नैनीताल के पास है। नीव करौली बाबा का आश्रम जहाँ जो नैनीताल के पास है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने बहुत सुना है बाबा के बारे में और इसलिए हम सबके लिए, सबकी खुशी के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए हम ये जा रहे हैं बाबा से अर्जी लगाने के लिए बाबा के पास। तो कल सुबह हमारा 6 बजे अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है काठगोदाम तक, फिर वहाँ से हम टैक्सी करके नैनीताल जाएंगे और फिर वहाँ से नीव करौली बाबा आश्रम जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चलिए हमारे साथ। तो अर्ली मॉर्निंग हमारा 6:20 को ट्रेन था और हम ये पहुंच गए हैं। हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन और यहाँ पे कन प्लेस से फिर से गुजर रहे हैं। क्योंकि ट्रेन 6:20 को था लेकिन हम जल्दी ही निकल गए बिकॉज ऑफ कहीं पे ट्रैफिक भी मिल सकता है इस वजह से। और देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और ठंड भी बहुत था। तो ये थर्सडे अर्ली मॉर्निंग है और हम लोग शॉप देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और खुशी भी हो गई थी कि इतने सालों के बाद हम स्टेशन में एक बुक शॉप देखे और यहाँ पे हम रुक गए। हम एक घंटे पहले पूरा पहुंच गए यहाँ पे स्टेशन में और बैठने के लिए भी जगह नहीं था और हम पूरा खड़े रहे स्टेशन तक ट्रेन में। ये हमारा ट्रेन शताब्दी आ गया। और हम बैठ गए ट्रेन में और ये देखिए हमको मिला है वेलकम गिफ्ट रोज बुकी। ट्रेन गाज़ियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, बिलासपुर रोड, फिर काठगोदाम, ये सब होके गुजरता है लास्ट में काठगोदाम के स्टेशन पर। हमारा ब्रेकफास्ट दिया गया था सैंडविच। यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स और मैं खा रही थी सैंडविच। और ये ट्रेन के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत ही साफ़ सुथरा और परफेक्ट टाइम पे ही पहुँचा। हम मतलब जाते वक्त भी शताब्दी में गए और आते वक्त भी शताब्दी में आए। पूरा ट्रेन कहीं पे भी लेट नहीं था, एग्जैक्टली जो टाइम था उसी टाइम में ही हम पहुँच गए। और वॉशरूम भी पूरा बहुत ही नीट एंड क्लीन और उनके अटेंडेंस थे जो बीच बीच में साफ़ भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर से ये ब्रेकफास्ट, ये आलू पराठा मेरे हस्बैंड का और मैं खा रही थी कटलेट। Thank you.
लाल कुआं जंक्शन जहाँ पे अभी पहुँचे। और एक्चुअली हम पहुँच के हम नैनीताल नहीं गए, हम सीधा कैंची धाम चले गए जहाँ पे बाबा जी का आश्रम है। वहाँ पे पहले दर्शन करके फिर हम नैनीताल गए अपने होटल में चेक इन करने के लिए। जो हमारा डेस्टिनेशन है उससे पहले हल्द्वानी आता है, वो भी बहुत बड़ा स्टेशन है। और ये हम उतर गए काठगोदाम में। टैक्सी कर लिया वहाँ से और हम निकल गए कैंची धाम के लिए। तो अपना सामान हम टैक्सी में रख देंगे और फिर हम बाबा जी का आश्रम में दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद नैनीताल जाएंगे। नैनीताल से कैंची धाम है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स। काठगोदाम से आप अगर नैनीताल जाएंगे वो 33-34 किलोमीटर्स है, ऑलमोस्ट वन आवर ऐसा ही लगता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम जाने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया। जब गुजर रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा सीनिक लग रहा था व्यूज़, माउंटेन्स एंड रिवर, तो मैंने यहाँ पे अपना शूट करना स्टार्ट कर दिया। ये पायलट बाबा का आश्रम। पहुंच गए नीव करौली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम। फ़ोन एक पॉइंट पे ही अलाउड है, उसके बाद आप फ़ोन लेके तो जा सकते हैं लेकिन आप निकाल के फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते आश्रम के अंदर। तो ये देखिए, ये हम नीचे उतर के जा रहे हैं, हमको टैक्सी थोड़ा ऊपर छोड़ दिया, यहाँ पे रास्ता है जाने के लिए नीचे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये आश्रम है पूरा। यहाँ पे आश्रम में बाबा जी का तो मंदिर है ही, यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जो बाबा जी ने खुद किया था स्थापित, और शिव मंदिर, ये सब मंदिर इसके अंदर ही है। कमाखा मंदिर भी अंदर है। Thank you.
जैनीव करोली बाबा कौन ना वो ब्लैंकेट ना वो नदी आप देख रहे हैं वो सिप्रा नदी है जो आश्रम के साइड में बहती है। यहाँ का अंदर का एक्सपीरियंस तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी है अंदर। यहाँ में जाके आपको हनुमान चालीसा पढ़ना होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, और मानना ये है कि यहाँ पे जो भी जाते हैं और मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। तो यहाँ पे आप दर्शन करके आ गए। ये बाहर का मैं नज़ारा देख रही थी, ये सिप्रा नदी बह रही है साइड आश्रम के साइड से, और यहाँ पे बाबा जी आके रहते थे, उनका आश्रम था। और नैनीताल में चार उनका धाम है, चार आश्रम है, जो चारों आश्रम हमने विज़िट किया। मैं आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी वो सारे। पहली बार तो ये कैंची धाम है, और हम जो 3 दिन रुके तीनों दिन ही हम यहाँ पर आए हैं कैंची धाम में। तो बाबा जी हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, और लोग कहते हैं कि वो रीइंकार्नेशन है हनुमान जी के। तो यहाँ पे आके हनुमान चालीसा पढ़ने से मन की शांति जो मिलती है मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती। और हनुमान चालीसा वहाँ पे बॉक्स में रखा होता है, वहाँ पे जाएंगे आप वो लेंगे पढ़ेंगे तो मन को ही शांति मिलेगी, और मैं अपने वर्ड्स में वो बता भी नहीं सकती वो फीलिंग। नैनीताल जा रहे थे और रास्ते में ये पाइन ट्री का हमको मिल गया एक जगह जहाँ पे टिकट लेके आपको जाना पड़ेगा अंदर। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर रुके, 10-15 मिनट, 2-4 फोटोग्राफ्स क्लिक किए और फिर वापस चले गए। नैनीताल, और नैनीताल में हमने एक लेक साइड इन एक होटल है वो लिए थे, जो रूम थोड़ा सा छोटा था बट उसका व्यू बहुत ही अमेजिंग था। लेक के साइड में ही पूरा होटल है एंड रूम भी लेक फेसिंग ही है।
लिए तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जैसे होटल्स वगैरह एंड रहने का एक्चुअली मेन। तो ये सारे होटल्स जो आप देख रहे हैं ये सब हमने देखा था, रिसर्च किया था, लेकिन किसी में रूम्स नहीं था। और लेक साइड जो इन था वो उसमें थोड़ा सा उसमें एक ही रूम खाली था और वो हमने बुक कर लिया था। और ये है फेमस नैनीताल का नैना लेक। फिर हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया और ये देखिए ये है रूम। तो यहाँ पे तो लिफ्ट नहीं होता था और सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंचा ऊंचा था और हमारा सेकंड फ्लोर में था तो चढ़ के हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी चढ़ना पड़ा। और ये बीच बीच में जो ग्लास लगाया उसका व्यू भी बहुत ही ऑसम था। और यहाँ पे हम देखिए ये फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पे हमारा रूम है। ये हमारा रूम सर, और वाईफाई अगर चाहिए तो कनेक्ट कर लो। क्या है वाईफाई पासवर्ड? आप वाईफाई फोन ही कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं फोन ही लेना पड़ेगा। जी जी, वाईफाई करना पड़ेगा। हाँ ऐसा ये स्मॉल लेक साइड, स्मॉल लेक साइड 2122 तो हम लंच कर रहे हैं, ये 4:30-5 बजे ये हमारा लंच था जो गार्लिक बर्न फ्राइड राइस एंड मलाई कोफ्ता। अभी हम जा रहे हैं नीचे उतर कर नैना देवी मंदिर और यहाँ से चल के जाना होगा जो मॉल रोड में ही है जहाँ पे हमारा होटल है। लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। हमारा मेन पर्पस नैनीताल आने का था, कैंची धाम और बाबा जी के सारे आश्रम जाने का।
नैना देवी मंदिर में भी, मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पे आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के प्रेमिसेस में आप कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से क्लिप्स वहाँ पे शूट किए। और ये है मॉल रोड जहाँ पे हम वॉक करके जा रहे हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं। और नैना देवी के मंदिर के पास ही बहुत बड़ा एक मार्केट है, इवन एक तिब्बतियन मार्केट भी है।